अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है, दिस इज यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, चैप्टर नंबर 2। हमने क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया है बॉटनी पेपर बी में से, सिस्टमैटिक्स एनाटॉमी एंड क्लासिफिकेशन में से। तो आज चैप्टर 2 का दूसरा तीसरा टॉपिक है कि यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं, हमने उसके बारे में डिस्कस करना है और कैसे उनको ग्रुप किया जाता है या नेम दिया। लेकिन हम लेक्चर को स्टार्ट करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो लेक्चर को शेयर कर दें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलें। अब सबसे पहले हमारे पास यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन में एक्चुअली चीज है क्या। यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन में जो है हमने ये स्टडी करना है कि जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो किस तरह के ग्रुप्स बनाते हैं और किस बेसिस पे उन ग्रुप्स को बनाया जाता है और किस तरह पे ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में रखा जाता है, किस चीज की बेस पे, ठीक है, कौन सी चीज उसकी जो बुनियाद बना के तो उनको ग्रुप कर दिया जाता है या अलग अलग सेपरेट कर दिया जाता है। तो सबसे पहले लेवल आता है स्पीशीज का, विच इज द फंडामेंटल कैटेगरी ऑफ द क्लासिफिकेशन या फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन। ये जो है ये फंडामेंटल लेवल जो है, इट इज कॉल्ड द स्पीशीज, इसको हम स्पीशी लेवल कहते हैं, बिल्कुल सबसे नीचे वाला बेस वाला लेवल। अब इसमें एक्चुअली होता क्या, दिस इज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। एक सिंपल से एग्जाम्पल आप करते आ रहे आई थिंक मैट्रिक लेवल से, द ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स और द इंडिविजुअल्स विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली। यही है ना, यानी ऐसा ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का जो एक दूसरे के साथ आसानी से इंटरब्रीड कर सकते हैं आजादाना तौर पे और फिर फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग बना सकते हैं। ये भी एक कंडीशन होती है, शर्त होती है स्पीशी के लिए कि जब तक वो फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग ना बना सके तो वो फिर एक स्पीशी नहीं होता। अगर वो फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग बना सकते हैं तो फिर वो एक स्पीशी है। जैसे आप सिंपल एक एग्जाम्पल पढ़ते हो हॉर्स और डंकी के क्रॉस की, और नेक्स्ट पे हमारी जनरेशन जो आती है वो म्यूल होता है जिसको हम खच्चर कहते हैं। तो वो म्यूल जो है इट इज नॉट ए फर्टाइल स्पीशी, वो फर्टाइल नहीं होता, वो अपनी जनरेशन नेक्स्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इस सिंपल एग्जाम्पल जो आप 9th क्लास में पढ़ते हो और इसी एग्जाम्पल की बेस पे जो हम स्पीशी को एक सादा से लेवल पे जो है सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पे भी है कि टेक्सोनॉमिक प्रैक्टिसेस जब हम करते हैं तो ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल प्लांट्स जो होते हैं उनको ग्रुप कर दिया जाता है। डेट इज फंडामेंटली जो बुनियादी तौर पे एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, बिल्कुल अलाइक होते हैं। अलाइक का मतलब होता है जो बिल्कुल एक दूसरे से मिलते हो या एक जैसे हो। जैसे अगर हॉर्सेज हैं तो सब हॉर्सेज ही होंगे, अगर डंकीज हैं तो सब डंकीज ही होंगे। तो इस तरह का जो लेवल होता है उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये एक स्पीशी। जैसे हम कहेंगे कि ये हॉर्सेज की एक स्पीशी है या हम कहेंगे ह्यूमन की एक स्पीशी है। तो अब जो ह्यूमन की स्पीशी है, आप चाहे पूरी दुनिया में देख लो, जो ह्यूमन है वो ह्यूमन ही रहेंगे, ठीक है ना। उसको आप ये नहीं कह सकते कि ये यूरोप के ह्यूमन है या ये सब कॉन्टिनेंट के ह्यूमन है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स दूसरे ह्यूमन से डिफरेंट है, इस तरह नहीं आप कह सकते। जो बेसिक उनकी तमाम खसूसियात है या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सबकी एक है। तो इसको हम कहते हैं दिस इज स्पीशीज, अलाइक एंड जनरली ट्रीटेड एज अ स्पीशीज। और उसको फिर हम जो नाम देते हैं स्पीशी का देते हैं। जो हाईलाइटेड कंटेंट होगा वो एक्चुअली में डेफिनेशंस यूज कर सकते हो एज ए डेफिनेशंस इस पॉइंट को, ठीक है। आइडली अ स्पीशी, अब उन्होंने कहा आइडली हम स्पीशी को क्या कहते हैं, शुड बी सेपरेटेड बाय द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी एक स्पीशी को हम उसके खास खास मुख्तलिफ जो उसके मुनफरिद मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं उसकी बेस पे उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसका फर्क करते हैं, उसको अलग कर देते हैं फ्रॉम दी अदर स्पीशीज, दूसरी स्पीशीज से, इन ऑर्डर टू हैव ए परफेक्ट या प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, कि हम उसकी एक परफेक्ट और प्रैक्टिकल से क्लासिफिकेशन कर सकें। जैसे मैंने आपको कहा है कि हॉर्सेस को जो है वो हम उसकी करेक्टरिस्टिक की बेस पे बिल्कुल अलग कर देंगे डोंकीज से, ठीक है, या दूसरे जो फोर लेग एनिमल्स हैं गॉड्स हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो दूसरे स्पीशीज हैं उसको बिल्कुल उससे अलग करेंगे उसके अपने करेक्टरिस्टिक की बेस पे। और कौन से करेक्टरिस्टिक, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स, यानी जो उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से, जैसे उसकी लेग्स कैसी हैं, उसके आर्म्स कैसे हैं, हूव्स हैं या फीट हैं, क्या इनमें फर्क है, और आईज है तो उसमें किस तरह की डिफरेंशिएशन है, ठीक है। However, it's sometimes difficult to delimit the species precisely. Sometimes ऐसा भी होता है कि कुछ species को differentiate करना भी आपस में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे mostly किसी किसी plants के level में आप ऐसा देख सकते हो, animals में तो इतना नहीं होता, लेकिन plants में कुछ ऐसी plant species हैं जिनको एक दूसरे से अलग करना बिल्कुल थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस level पे फिर हम कोशिश करते हैं कि उनको किसी एक single या double, यानी एक या दो characteristics की base पे अलग कर दे, या फिर उनको जो है
उसको थोड़ा सा इग्नोर करके इकट्ठा ही रख देते हैं एक ग्रुप में, ठीक है। स्पीशीज शेयर्स आर क्वाइट लार्ज नंबर ऑफ द वेरिएशन विद द पॉपुलेशन। अब जो स्पीशीज होती हैं उसकी लार्ज नंबर ऑफ वेरिएशन होगी विद इन ए पॉपुलेशन। जैसे हमारे पास एक फॉरेस्ट की पॉपुलेशन होगी, अब जो फॉरेस्ट की पॉपुलेशन है उसमें कह लें आप डियर की स्पीशीज भी हैं, ठीक है, उसमें हॉक्स भी हैं, अलग अलग स्पीशीज हैं, लायंस भी हैं। तो इस तरह जो स्पीशीज हैं अपनी एक पूरी पॉपुलेशन में जो है वो डिफरेंट एक दूसरे के साथ वेरिएशन शो करती हैं कि वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है, वेराइटी आ जाती है उसमें, ठीक है। तो दे प्रोवाइड द रिकॉग्निशन टू द वेरिएशन, तो ये एक पहचान प्रोवाइड करती है वेरिएशन की बेस पे कि ये बिल्कुल अलग हैं दूसरे से, और उसको हम नाम देंगे इंट्रा स्पेसिफिक कैटेगरीज। और फिर उनको जिस बेस पे हम थोड़ा सेपरेट करते हैं उसको हम नाम देते हैं दीज आर इंट्रा स्पेसिफिक कैटेगरीज, यानी स्पीसीज के अंदर ही जो कैटेगरीज बनेंगी उनको इंट्रा स्पेसिफिक कह देंगे, ठीक है। और जिसमें जो कैटेगरीज डेट आर बिलो द स्पीशी लेवल एंड आर यूज, यानी स्पीशी लेवल के रैंक से जो नीचे होंगी उसको हम कहेंगे इंट्रा स्पेसिफिक। सो दीज आर द सब स्पीशीज वेराइटीज, यानी अब देखो उसी के लेवल पे हम उसको सब स्पीशीज भी कह रहे हैं, वेराइटीज भी कह रहे हैं एंड फॉर्म भी कह रहे हैं। अब ये किस तरह, मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपके पास राइस है, ठीक है, अब राइस जो है वो एक प्लांट स्पीशी है, पूरी एक प्लांट स्पीशी, मतलब सब हर तरह के राइस अभी आप उसके अंदर देख लो। लेकिन आपको पता है अब राइस में किस तरह की वेराइटीज है, जैसे आप वो बासमती है, इस तरह डिफरेंट जो है उसकी पाकिस्तान के मशहूर राइस है जो, तो इस तरह जो है वो उसके सीड की बेस पे, उसकी प्रॉपर्टी की बेस पे, उसकी क्वालिटी की बेस पे, उसके टेस्ट की बेस पे, या आप उसके साइज की बेस पे कि वो जो दाना जो है उसका ग्रेन है वो छोटा है या वो बड़ा है, जैसे वो यानी किस तरह से उसका जो है वो वेराइटी है। तो अब ये राइस की वो जैसे आम जुबान में हम कहते हैं उर्दू में वो सेला और टोटा और ये जो चावल होते हैं सब, इन सब की जो है वेराइटीज होती हैं। तो अब वो है तो वो एक ही स्पीशी, ठीक है ना, मतलब राइस की स्पीशीज है, लेकिन उसमें वेराइटी आ गई है कि वो फुल ग्रेन वाली है या फिर वो जो छोटे छोटे ग्रेन टूटे हुए होते हैं चावल उस तरह की वेराइटी है, तो वो डिफरेंट। फिर जैसे मैंने आपको बासमती की एग्जांपल दी, तो इस तरह से जो है अब वो थी तो एक ही स्पीशी, लेकिन सब स्पीशी लेवल में भी उसके अंदर कुछ वेराइटी आ गई और इसलिए हमने उसको नाम दे दिया वेराइटीज का, फॉर्म का या सब स्पीशीज का। तो डिफरेंट कैटेगरीज फिर हमने उसकी भी बना दी। तो द कैटेगरीज ऑफ द सब स्पीशीज एंड द वेराइटीज आर अप्लाइड टू द पॉपुलेशन ऑफ द स्पीशीज इन वेरियस स्टेजेस ऑफ द डिफरेंसिएशन। और ये भी होता है कि सम टाइम ये जो वेराइटी और स्पीशी, सब स्पीशी, वेराइटी और सब स्पीशी वाला लेवल है या ये कैटेगरीज है, इन दोनों को हम अप्लाई करते हैं डिफरेंट स्टेजेस पे। जैसे हमारे पास स्पीशी एक ही हो लेकिन हमने उसकी पॉपुलेशन के एक लेवल पे उसको सब स्पीशी का नाम दे दिया हो और दूसरे लेवल पे उसको वेराइटी का नाम दे दिया। जैसे अब ये जो राइस की ही मैंने आपको एग्जांपल दी है ना, जो फ्रेश राइस होता है वो फुल ग्रेन होता है और जो दूसरा होता है वो टूटा हुआ होता है, वो यानी वो इसलिए टूट जाते हैं या वो ग्रेन छोटे छोटे होते हैं जो थोड़े एक्स्ट्रा अलग अलग इतने फ्रेश नहीं होते। इस तरह फिर उसका जो है वो देखिए वो होती तो एक ही राइस की स्पीशी, लेकिन वो जब उसकी स्टेजेस में फर्क आता है वो अपनी पॉपुलेशन की स्टेजेस में, तो साथ ही हम उसके नेम्स को भी चेंज कर देते हैं, उसकी क्वालिटी भी बदल जाती है, उसके सब कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है। एंड द कैटेगरी, जो दूसरी कैटेगरी लास्ट हमारे पास बचती है विच इज द फॉर्म, इट इज जनरली यूज टू रिकॉग्नाइज एंड डिस्क्राइब द स्पोरैडिक वेरिएशन। ये जो फॉर्म वाली चीज है, जो हम फॉर्म देते हैं नाम कैटेगरी को, जो कैटेगरी सब स्पीशी लेवल पे हमने फॉर्म में स्टडी करना है, दिस इज दी स्पोरेडिक वेरिएशन। जब हमने किसी पॉपुलेशन में स्पोरेडिक वेरिएशन को स्टडी करना है, अब स्पोरेडिक वेरिएशन एक्चुअल में होती क्या है, स्पोरेडिक वेरिएशन होती है जब आपने स्टडी करना हो डोमिनेंस को, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो इस तरह की मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की आप डिफ्रेंसिएशन या उसकी उसके डिफरेंट लेवल्स को स्टडी करते हो, तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये हम स्पोरेडिक स्पीशीज को, स्पोरेडिक वेरिएशन को स्टडी करें। जैसे यहाँ पे भी एक एग्जांपल है, मॉर्फोलॉजिकल फीचर सच एज ओकेजनल वाइट फ्लावर इन दी पॉपुलेशन ऑफ ए पर्पल फ्लावर स्पीशी, यानी पूरी हमारे पास एक स्पीशी थी पर्पल फ्लावर की, कि जो भी प्लांट का फ्लावर बनेगा वो पर्पल कलर में आएगा, लेकिन अचानक एक ऐसी जनरेशन आती है कि उसमें वहां पे वाइट फ्लावर आ जाते हैं, फिर उसको दोबारा क्रॉस करवाते हैं, फिर हमारे पास सारे पर्पल ही आते हैं, दो तीन जनरेशन तक पर्पल आते हैं, फिर तीसरी चौथी जनरेशन में हमारे पास दोबारा फिर व्हाइट फ्लावर आ जाते हैं, तो वो बार बार एकदम से डिफरेंट कैरेक्टर का शो हो जाना, उसको हम कहते हैं कि ये उसकी फॉर्म का लेवल है। तो इन चीजों को जब देखेंगे तो फिर हम उसको स्पीशीज के भी लो लेवल पे रख के, तो जो इस तरह के ऑर्गेनिज्म होंगे उनको फॉर्म की कैटेगरी में
हम उसको रख लेंगे या करेक्टराइज कर देंगे। ठीक है, समझ आ गई ये बातों की। उसके बाद हमारे पास आता है जीनस। अब स्पीशी के बाद जीनस क्या चीज होती है, आपने क्या करना है कि जो टेक्सोनोमी के सब यूनिट्स है ना, सबको आपने ग्रुपिंग के सेंस में लेना है। ठीक है, अब स्पीशीज थी ना हमारे पास, तो हमने स्पीशीज को क्या करना है, स्पीशीज को कर देना है ग्रुप। अब स्पीशीज को किस तरह से हम ग्रुप करेंगे, हम ये कहेंगे दैट द स्पीशीज आर द ग्रुप टुगेदर, यानी स्पीशीज को जब ग्रुप कर दिया जाएगा इनटू एन इंक्लूसिव ग्रुप, एक बिल्कुल अलग ग्रुप में, इट इज नाउन एज जीनस, उसको हम जीनस का नाम देंगे, वेयर द स्पीशीज हैव द मोर कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन, यानी जब स्पीशीज की आपस में कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कॉमन होंगी विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, देन विद द स्पीशीज ऑफ द अदर जनरा, यहाँ तक के दूसरे जनरा से उनकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो डिफरेंट होंगी। तो क्या होता है कि हमारे पास जो स्पीशी लेवल था उसमें हमने क्या करना था, उसको कर देना है ग्रुप। जब स्पीशी लेवल में डिफरेंट स्पीशीज को आपस में ग्रुप करेंगे तो इट विल बी जीनस फ्रॉम विद इन द ईच अदर, एक दूसरे के साथ उनकी जो बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिलती हैं, देन द स्पीशीज ऑफ द अदर जीनस विद इन द सेम फैमिली, एक ही फैमिली में वो सारा कुछ ऐसे ही होगा। ठीक है, जैसे आप देख लें अगर एस्ट्रेसी एक फैमिली है तो उसमें डिफरेंट ऑर्डर्स आएंगे, फिर उसमें डिफरेंट स्पीशीज आएंगी। ठीक है, तो हम उनके लेवल पे अलग अलग फ्लावर्स, हालांकि वो एक पूरा ग्रुप होता है लेकिन उसमें भी आगे बहुत ज्यादा ग्रुप्स बन जाते हैं, क्योंकि जीनस में हम अलग रख रखेंगे फ्लावर्स को और स्पीशी के लिहाज से उनको सेपरेट कर देंगे। तो जीनस देयरफॉर आर द एग्रीगेट्स, तो जीनस क्या है, एग्रीगेट्स ऑफ प्रिसाइसली रिलेटेड क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, यानी बहुत ज्यादा स्पीशीज आपस में क्लोजली रिलेटेड है उसको हम एक ही जीनस में रखते हैं। एंड द जीनस ब्रिंग्स द स्पीशीज टूगेदर, जीनस स्पीशीज को इकट्ठा रखते हैं विद द फाइलोजेनेटिक, यानी जो भी उसकी फाइलोजेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स होते हैं उसकी बेस पे भी, एंड बाय प्लेसिंग क्लोज रिलेटेड स्पीशीज टूगेदर, और साथ ही ये कि क्लोज रिलेटेड स्पीशीज को हमने इकट्ठा कर देना है। अ जीनस में भी हैविंग द वन स्पीशी, हो सकता है कि जीनस में सिर्फ एक ही स्पीशी हो, एंड नाउन एज द मोनोटाइपिक, उसको हम नाम दे दें मोनोटिपिक जीनस का, अगर उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पीशी होगी। ठीक है, और मे द स्पीशीज ऑफ द मे द स्पीशीज प्रेजेंट इन द जीनस, हो सकता है उसमें मोर देन वन स्पीशी भी हो, डिफरेंट स्पीशीज उसमें प्रेजेंट हो, और उसकी बेस पे जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है स्नेशियो कॉम्पैसिटी की, इसमें क्या होगा, इट कंटेन्स 2000 to 3000 स्पीशीज, यानी कंपोजिटिव ग्रुप था और उसमें 2000 से 3000 तक जो है वो स्पीशीज आ गई है बिल्कुल डिफरेंट, लेकिन वो एक ही जीनस में आती है सब। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फैमिली। अब क्या करोगे कि आप जीनस को ग्रुप कर दोगे, वो बन जाएगी फैमिली। जिनरा विद कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आर ग्रुप टूगेदर इन द मोर इंक्लूसिव ग्रुप नाउन एज द फैमिली, जीनस को जब आपने इकट्ठा कर दिया जिनकी सेम सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, उसको आप एक ही फैमिली में रखोगे, और इन द बोथ रिप्रोडक्टिव एंड द वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आर यूज्ड टू कैरेक्टराइज द फैमिली। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम एक फैमिली को कैरेक्टराइज करने लगते हैं, उसकी डिफरेंशिएशन करते हैं, तो उसमें हम रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स भी लेते हैं और वेजिटेटिव भी। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो है उन पे तो असर होता है एनवायरनमेंट का, आगे यही बात आ रही है। जैसे द रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड द कैरेक्टर्स फॉर द डेफिनेशन ऑफ ए फैमिली, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर की बेस पे हम उसकी फैमिली की डेफिनेशन बनाते हैं, देन द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एज इज हैव लिटिल अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट, क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर है उस पे एनवायरनमेंट का कोई खास असर नहीं होता। अगर एक फ्लावर की फैमिली है जैसे ये एस्ट्रेसी वगैरह ही आप ले लो, तो उसमें क्या है के यानी अब उनमें एक रिप्रोडक्टिव उसकी फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक है कि उसमें रिप्रोडक्शन किस तरह से होगी, उसमें सेल्फ हो रही है, क्रॉस हो रही है, या रिप्रोडक्शन के कौन कौन से प्रोसेस हैं, उसमें सब स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, ओवरी वगैरह ये सारा भी नेक्स्ट है। तो हम क्या करेंगे कि उसकी बेस पे उसको क्लासिफाई करेंगे उस ग्रुप के अंदर या फैमिली के अंदर। क्यों? क्योंकि इन चीजों के ऊपर इन्वायरमेंट का कोई असर नहीं होता, ये इननेट होती हैं या फिर बहुत कम असरात होते हैं कि जो इसको आप इजीली इग्नोर कर सकते हो, जबकि वेजिटेटिव कैरेक्टर पे आसानी से इन्वायरमेंट का असर होता है, वो होते ही इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। जैसे अगर लीव किसी जगह पे उनका ब्लेड या लेमिना जो है वो बड़ा है, उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, उसमें इवेपोरेशन ज्यादा हो रही है, तो इसका मतलब है वो किसी ऐसे एरिया में रह रहा होगा जहां पे उसको ज्यादा से ज्यादा इवेपोरेशन करने की जरूरत है, जैसे वो किसी इक्वेटिक इन्वायरमेंट में रह रहा होगा या फिर किसी मॉइस्चर वाले इन्वायरमेंट जहां है उसको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, उसके पास प्लेंटी ऑफ वाटर है, तो फिर वो ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया वाले लीफ बनाएगा या इस तरह से बनाए गए हैं, उसके पीछे ये रीजन है। तो फिर ये चीज जो है, जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं उन वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही एडजस्टेड होते हैं, लेकिन जो रिप्रोडक्टिव है वो खास इस तरह उस पर इन्वायरमेंट का फर्क नहीं पड़ता।
कैरेक्टर्स आर यूजुअली टू डेलिमिट द फैमिलीज आर, कौन कौन से कैरेक्टर हम देखते हैं फैमिली को बताने के लिए कि ये कौन सी फैमिली हो सकती है. ओवरी देखनी है हमने सबसे पहले, ओवरी की पोजीशन कैसी है, काइंड ऑफ पिस्टल्स एंड द स्टेमंस, पिस्टल्स और स्टेमंस कैसे हैं, और उसके अलावा कार्पल्स का क्या नंबर है, उसकी टाइप फ्रूट की कौन सी टाइप है, सिमिट्री कैसी है, सिमिट्री ऑफ द फ्लावर एंड द लीफ अरेंजमेंट या फिर लीफ के नंबर या लीफ की मॉर्फोलॉजी, इसके अलावा हैबिट. ये तो सब कैरेक्टरिस्टिक है. अभी अगर आप वेरिएशन आपको मतलब नहीं जहन में कुछ भी आ रहा है इन सबसे क्या, तो नो प्रॉब्लम, बिकॉज ये सब हमने अभी अनाटमी में इंशाल्लाह डिस्कस करना है, तो आपका ये सब और क्लियर हो जाएगा. ऑर्डर्स में क्या चीज आती है, नेक्स्ट हाई लेवल या कैटेगरी इज दी ऑर्डर, अगला लेवल जो है वो ऑर्डर होगा, विच इंक्लूड्स द वन और द मोर फैमिली, जिसमें एक फैमिली या फिर एक से ज्यादा फैमिली को ग्रुप कर दिया जाता है. एंड ऑर्डर्स आर कैटेगराइज बाय एन एग्रीगेट ऑफ द फैमिलीज, और ऑर्डर जो है वो एक एग्रीगेट है किसका, फैमिलीज का. डिवीजन है. सिमिलरली द ऑर्डर्स आर अरेंज टूगेदर इन टू द क्लासेस, ऑर्डर्स को क्लासेस में अरेंज कर दिया जाएगा, क्लासेस इन टू द सब डिविजन, क्लासेस को सब डिविजन में, एंड सब डिविजन इन टू डिविजन, और एट लास्ट जो है वो सब डिविजन को डिविजन में, और डिविजन के बाद आपको पता है फिर फाइलम आते हैं, और फाइलम के बाद फिर किंगडम आती है. तो इस तरह से, या फिर जो प्लांट के केस है इसमें ज्यादा फाइलम का इतना नहीं होता, तो हम डायरेक्ट किंगडम में भी पहुंच सकते हैं. तो डिफरेंट जो है उसमें मेन फीचर्स जो है, मेन जो लेवल्स थे यूनिट्स वो यही है. उसके अलावा आगे फिर फाइलम और किंगडम और सब किंगडम, सब किंगडम पहले पहले फाइलम फिर सब किंगडम और फिर किंगडम. तो इस तरह से भी क्लासिफिकेशन थोड़ी सी एक दो स्टेप उसके और ऊपर आ जाते हैं. जब हम डिवीजन को ग्रुप कर देंगे तो वो हमारे पास फाइलम बन जाएगा, फाइलम को ग्रुप कर देंगे तो वो सब किंगडम बन जाएगी, सब किंगडम को ग्रुप करेंगे तो किंगडम जो हमारे पास फाइव मेजर किंगडम्स हैं, प्लांट एनिमल या फंजाई, तो ये सब इस तरह से है. तो ये इट वाज टुडेज लेक्चर. आई होप के लेक्चर आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा. इसको यहीं पे आप डिफ्रेंशिएट करके पढ़ लें तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा. और अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मुझे दुआ में याद रखें, और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.